एक बंदा कहे कि जी मैंने अपने किसी रिश्तेदार का 1 लाख रुपया दबाया, तो मैं तहज्जुद के पहले 2 नफल पढ़ता था, अब 4 पढ़ लिया करूंगा, माफ हो जाएगा? ना, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होगा। तो गूगली बात खत्म, नहीं माफ होंगे जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा। इसीलिए सूरह निसा में आया, जो लोग यतीमों का माल हड़प कर रहे हैं अपने पेट में दोजख की आग भर। तो सर ये आप समझ लें, नमाज पढ़ने का, दाढ़ी रखने का कतन ये मकसद नहीं है कि बाकी आपके फ्रॉड माफ हो जाएंगे। दीन टोटल पैकेज का नाम है, ये पिक एंड चूज नहीं है। इसमें थोड़े से मामले के ऊपर भी अल्लाह ताला गिरफ्त कर सकता है। सूरह बकरा में जो 7 यूनिवर्सल ट्रूथ आए, उनमें से एक ये है कि किसी शख्स ने अगर कोई एक गुनाह भी ऐसा किया कि उस गुनाह ने उसको घेर लिया, वो मारा गया, उसके लिए फिर दोजख है। एक गुनाह भी किसी को दोजख में लेके जाने के लिए काफी है।